हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैट। आज जैसे आप लोग थंबनेल में आपको पता चल गया होगा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर। लाइक एक टाइम फ्रेम को लोग ना एक लाइक मिथ बना दिया कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा ट्रेड मिलता है या फिर तब जाके आपको एंट्री एग्जिट अच्छा मिलता है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आप समझ लो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, 5 मिनट का आपका टाइम फ्रेम है या फिर जो भी है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। आप वीकली चार्ट देख रहे हो, वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करो कि अच्छा वीकली में सपोर्ट रेंज का है। आपको सबको पता होगा कि एक रेंज होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, तो आपको वीकली में वो 300-400 पॉइंट का एक रेंज मिलेगा। तो आप सोचो, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे करोगे, आपका ट्रेड आधा घंटा होगा, एक घंटा का होगा, और आप उसको 300-400 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करोगे, तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वो रेंज में आपको सपोर्ट दिखेगा, तब जाके आप उसको बाय करोगे। लेकिन वो रेंज तो बहुत बड़ा होगा, तो आपको इंट्राडे में ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो इसको सिंपल रखो, कभी भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करो, उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक फिक्स रखो, आपको ना वो ईओडी करना है, मतलब एंड ऑफ द डे उसको रिसर्च करके रखना है कि मैं कल क्या ट्रेड करूँ, ठीक है। उसके बाद आप उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, आप तब जाके मल्टी टाइम फ्रेम करके आपका दिमाग ख़राब मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम करोगे दिमाग ख़राब होगा। आपको 5 मिनट चार्ट में सपोर्ट दिखेगा, डेली चार्ट में आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, आपको आवर्ली चार्ट में कुछ और दिखेगा, आपको वीकली चार्ट में कुछ और दिखेगा, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको ये एक मल्टी टाइम फ्रेम करके हर कोई बोलता है कि अभी 21 मूविंग एवरेज के आसपास है, 21 इसके आसपास है, 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास है, वीकली टाइम फ्रेम में या फिर मंथली टाइम फ्रेम, वट एवर ना, ये सब चीज़ें से दूर रहो। आपको कैसा सिंपल रखना है, पहले आप लोग कुछ लिख लो, जो मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, फिर भी आप लिख लो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, एकदम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, एकदम इंट्राडे के लिए। और आपको BTST काइंड ऑफ ट्रेड चाहिए, मान लो कि आज आप खरीद रहे हो कल बेच दोगे, या फिर मतलब बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या कुछ भी हो, तो आपको अगर इंट्राडे कर मतलब इंट्राडे में पोजीशन बना के BTST टाइप का करना है, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। आपको अगर 2 से 4 दिन का ट्रेड करना है, तो 30 मिनट्स में जाओ, 2 से 4 दिन के लिए 30 मिनट्स में टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर आपको 5 से 8 दिन का ट्रेड करना है, 5 से 8 दिन का ट्रेड करना है, तब आपको आवर्ली टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर आपका 10 से 15 दिन का व्यू है, तब 2 आवर्ली टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर आपका 20 से 45 दिन का व्यू है, तब डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर आपका 2 मंथ से 10 मंथ्स का आपका व्यू है, देन आप वीकली टाइम फ्रेम में चले जाओ। और आपका 1 साल से 4 साल का व्यू है, तब आप मंथली टाइम फ्रेम में चले जाओ। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल से एक चार्ट लिख के दूंगा आपको, वो हो गया। अभी आपको मल्टी टाइम फ्रेम EOD में कैसे करना है, मान लो आप अभी बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे, मैं जस्ट बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इसलिए आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, बैंक निफ्टी में तो ऑब्वियसली आप 2 से 10 महीना का तो नहीं करोगे, आप मैक्सिमम वो डेली टाइम फ्रेम तक करोगे ना। तो आपको क्या करना है, आप डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, ठीक है। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है, तो आप ऐसा ट्रेड लो जो आप 2 महीना कैरी कर सकते हो, फ्यूचर बाय कर लो, या फिर कुछ कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, या फिर पुट ऑप्शन सेल कर दिया, या फिर कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, जो भी करना है, फ्यूचर सेल या बाय करना है, तो आप डेली टाइम फ्रेम में देख के आपको व्यू 2 महीने का होना चाहिए। अभी जैसे जनवरी चल रहा था, आप मार्च या फरवरी का आप फ्यूचर ऑप्शन बाय करोगे, फ्यूचर कुछ भी बाय करोगे, जो भी है सेल करोगे, जो भी करना है। तो आप पहले EOD में कैसे देखोगे, आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, हो गया। तो आप नोट कर लो कि डेली टाइम फ्रेम ऐसे दिख रहा है, इस रेंज में आने से अगर यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखता है, तो मैं यहाँ से 2 महीना का व्यू लेके मैं चलूँगा। तो 2 महीना व्यू होने से क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ा होगा, टारगेट भी बढ़ा होगा। तो अगर आप मान लो 10 से 15 दिन का ट्रेड करोगे, तो 2 आवर्ली का देखो, पहले पूरा चेक करो, डेली 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, सबका चेक कर लो जिसमें आपको ट्रेड मिल रहा है। आपको मान लो डेली में ट्रेड मिल रहा है, डेली में देख कर लो, आप जैसे करना है आपका व्यू। अगर आपको मान लो 15 मिनट्स में ट्रेड दिख रहा है, तो कल आप चार्ट जब खोलोगे, 15 मिनट्स का ही खोल के बैठो, उसमें ही आप एनालाइज करो। तब 15 मिनट्स खोल के आप 5 मिनट्स का फिर से देख रहे हो, 1 डे का फिर से देख रहे हो, 1 आवर्ली का फिर से देख रहे हो, कभी नहीं होगा। EOD में सारा कर लो काम, डेली में कर लो, 2 आवर में कर लो, 1 आवर में कर लो, 13, 15, 5 मिनट्स में कर लो। करने के बाद आपको जहाँ जहाँ ट्रेड मिलता है, मान लो 5 मिनट्स में ट्रेड मिल रहा है, तो 5 मिनट्स का यहाँ ट्रेड है, तो आप वो लिख के रख लो कि यहाँ ट्रेड दिख रहा है, 15 मिनट्स में यहाँ ट्रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 15 मिनट्स में नहीं दिख रहा, 30 मिनट्स में यहाँ ट्रेड दिख रहा है। तो आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो, तब जाके आप इसे ट्रेड कर सकते हो। आप मान लो कि आपने 5 मिनट्स में एक दिख रहा है, 15 मिनट्स का आपको कुछ और दिख रहा है, 30 मिनट्स में कुछ और दिख रहा है, तब आप पजल हो जाओगे,
कभी भी सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप ध्यान रखना, आप अगर करते हो तो आपको पता चल रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे हो मुझसे। तो इसलिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम इज़ अ मिथ, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम इज़ अ मिथ, मिथ इन सम एक्सटेंट, क्योंकि आपको वो बेनिफिट भी देता है, आपका वो बहुत ही आपका वो अगेंस्ट में भी काम करता है। इसलिए आपको वो समझना पड़ेगा कि आपको यूडी में काम करो, यूडी में देख के उसको आप एनालाइज करके उस हिसाब से आप ट्रेड को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। कभी भी एक साथ में मत करना कि एक साथ में देख रहे हो आप पूरा कन्फ्यूज़ होगे, आप हमेशा उल्टा पुल्टा ट्रेड लोगे, हमेशा रॉन्ग एंट्री होगा, रॉन्ग एग्जिट होगा। अब 15 मिनट में देख लो तो 15 मिनट में ट्रेड करो, तब आप 5 मिनट का चार्ट मत खोल के देखो, ठीक है, ये बात याद रखना। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम पे कभी भी एक साथ में मत देख के कभी भी दिमाग ख़राब मत करना। हाँ, अभी अगर आपको मान लो कि डेली आपको ट्रेड मिल रहा है, 2 आवर में ट्रेड दिख रहा है, 1 आवर में ट्रेड दिख रहा है, समझ रहे, तो आप सबको चार्ट को खोल के रखो, जहाँ ट्रेड मिल रहा है वहाँ एंट्री करो। अब डेली टाइम फ्रेम एनालाइज करके 5 मिनट में एंट्री कभी मत करना, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा। एक दो दिन मिल जाएगा आपको ट्रेड, नहीं होगा, ठीक है। तो यही है, और जो आपको मंथली टाइम फ्रेम का बोला था 1 ईयर टू 4 ईयर का, वो नॉर्मली इन्वेस्टिंग पर्पस से होता है, ठीक है। एकदम लंबा कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो मंथली टाइम फ्रेम देखता है, ठीक है। तो ये अभी आज में इस वीकेंड में जो हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बात किए, नेक्स्ट वीकेंड में कुछ और बात करेंगे। और इसको आप ध्यान से, मैं हर चीज़ में पॉइंट को नोट करके लिख के दूंगा, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, दिखाई दिया होगा पहले से, तो आप ना उसको आराम से करके उसको नोट करके रखो और इस हिसाब से आप ट्रेड करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, और आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए चलो बाय, और अगले वीडियो में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, चलो ख्याल रखो।